आदमी जो है ना इसने अपने भेजे में ये बात डाली और फिर चल पड़ा। दूसरा आदमी जो है ना वो वाले साहब से नहीं मिला, कह रहा था कि मेरे वाले साहब ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बस वो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो, ठीक हो? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आए थे आपने पहाड़ों में, ये उधर हमारा गाँव है, तो ये मेरा दोस्त है अजमतुल्ला, ये कह रहा था कि भाई बहुत तंग हो चुके हैं, चलते हैं पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर आने का भाई अपना एक सुकून है, बस आराम से बैठ जाओ अपने दोस्त के साथ, अपनी बातें शेयर करो, फिर सुकून से साथ जाए ना फिर चलो। ये नहीं है कि भाई किधर जा रहे हो, क्या हुआ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं है। इधर आ जाओ, बस सुकून के साथ बैठो अपने दोस्त के साथ, जरा माहौल भी अच्छा है भाई, माहौल भी बहुत अच्छा है। सुकून के साथ जो है ना अपने दोस्त के साथ जो है ना बातें शेयर करो, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आराम दिमाग जो है ना इधर सुकून। और दूसरी बात ये है कि तो आप लोगों को तो पता है नीचे शहरों में जो है ना कितनी शोर होता है, शोर की बात कर रहा हूँ भाई। और इधर जो हम आए थे ना, ये दिखाता हूँ आप लोगों को जो है ना, ये देखो, हम आपके साथ जो है ना कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आए थे। तो इधर जो है ना इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, कुछ भी बोले भाई, लेकिन इन लोगों की जो रिज़्क है ना, ये हम आ गए इधर जो है ना, कुछ खा लीजिए हमने, तो ये गिर चुके थे, ये सब इकट्ठे हो गए। आप इससे ये मालूम होता है ना कि रिज़्क वो देता है, इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखते, रिज़्क वो देता है, क्योंकि जो है ना इस पहाड़ में कुछ भी नहीं है, इधर इस जगह में इन लोगों को जो है ना रिज़्क मिल रही है, तो हमें कैसे नहीं मिलेगा भाई। लेकिन हाँ, मेहनत ज़रूरी है इंसान के लिए जो है ना, मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत नहीं छोड़नी। अगर कोई इंसान कह रहा है कि भाई छोड़ दो बैठे रहो, कोई ना कोई जो है ना इस तरफ से रिज़्क आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है भाई। मेहनत ज़रूरी है और हमेशा मेहनत करते रहा करो, अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह ताल्लुकात रख दिया करो, अपने बहनों के साथ अच्छी बातें कर रहा करो, अपने वालिद साहब के साथ जो है ना अच्छी बातें कर, वालिद साहब किस लिए अच्छी बातें कर रहा करो, कि वालिद साहब जो होता है ना वो ज़िंदगी से गुजरने वाला जो आदमी होता है ना, वो होता है, उसको बहुत तजुर्बा होता है, वो तुमको जो बात आपको बता दे ना, उससे आप बैठ कर अकेले में सोचना, उस बात में जो है ना बहुत बड़ी कहानी होती है इंसान के लिए। वैसे एक कहानी सुनाता हूँ, दो आदमी सफ़र पर जा रहे थे, एक अपने वालिद साहब से मिले, वालिद साहब ने उससे कहा बेटा अगर रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए ना, तो पहाड़ पर कभी नहीं चढ़ना है तुझे, दूसरा रास्ता जो है ना वो चाहे वो लंबी भी हो, लेकिन उस रास्ते पर जाओगे अगर तू बार बार गिरेगा ना, तो फिर तुम उठ सकते हो, क्योंकि पहाड़ पर अगर तू गिर जाओगे ना, तो फिर तुम नीचे जा सकते हो, मर सकते हो, फिर नहीं उठ सकते। तो ये आदमी जो है ना इसने अपने भेजे में ये बात डाली और फिर चल पड़ा। दूसरा आदमी जो है ना वो वालिद साहब से नहीं मिला, कह रहा था कि मेरे वालिद साहब ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बस वो ऐसे ही चल पड़ा, घर से गुस्से में चढ़ पड़ा, रास्ते में पड़ा रहा है। तो उसने कहा ये रास्ता जो है ना ये शॉर्टकट रास्ता, इस रास्ते पर चलते। दूसरे ने बताया कि मेरे वालिद साहब ने ये बताया था कि जब शॉर्टकट रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता पहाड़ का रास्ता हो, आप लोग शहर के लोग हो, आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, तो हम गिर जाएंगे, अगर हम रोड पर जाएंगे, अगर हम गिर गए तो फिर हम भी उठ सकते हैं रोड पर, अगर इस पहाड़ से हम गिर गए तो हमेशा के लिए गिर जाओगे। तो उसने कहा कैसे गिरेंगे हम तो आदमी, ये सब लोग जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। तो उसने कहा मैं नहीं जा रहा, आप जाओ। जब वो आदमी चला ना, तो जब उसने पहाड़ पर थोड़ा सा चल रहे, तो फिर वो गिर गए, नीचे आ गए, तो नीचे आकर मर गए। तो ये बात जो है ना इसको जो है ना समझ में आना चाहिए, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपने बारे में अच्छे सोचते हैं, दूसरे के बारे में अच्छे सोचते हैं, ये बात उनके लिए जो है ना ज़बरदस्त बात है। अगर कोई नापसंद आदमी हो, किसी को पसंद नहीं कर सकता, वो अपने बारे में सोचते हैं, या वो ऐसा हो कि मेंटल हो, मेंटल इसलिए बोलता हूँ कि वो शोर बनाता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, अगर हम हमेशा सोचे तो समझदार आदमी कभी शोर नहीं करता, वो हमेशा चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन एक बात बोलता है, लेकिन समझने की बात बोलते हैं। आप लोगों के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।